हेलो फ्रेंड्स, तन्वी क्रिएशन में आपका स्वागत है। और आज हम इंस्टेंट ब्रेड रसमलाई बनाएंगे और उसमें बीच में हम फिलिंग भरेंगे। तो आइए देखते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 250 ml दूध, अलग से और दूध थोड़ा सा चाहिए आधा कप के करीब, जिसमें हमने मलाई मिक्स कर रखी है। 2 टेबल स्पून चीनी, 1 टेबल स्पून मिल्क पाउडर, थोड़े से सजाने के लिए टूटी फ्रूटी और ड्राई फ्रूट्स, 50 ग्राम पनीर, 8 स्लाइस ब्रेड के। अब सबसे पहले हम गैस पे कढ़ाई रखेंगे और गैस को ऑन कर देंगे और उसमें हम डालेंगे दूध और इस दूध को उबलने देंगे 2 से 3 मिनट के लिए और आंच को हम फुल रखेंगे। अब जब तक दूध बॉईल हो रहा है, तब तक हम ब्रेड को गोल हिस्सों में कट करेंगे। उसके लिए हम एक ग्लास लेंगे या आप छोटी कटोरी भी ले सकते हैं और उससे हम इसका बीच का पार्ट काट के निकाल देंगे इस तरीके से। और जो साइड का पीस बचेगा उसे वेस्ट नहीं करना है, उसके हम सुखा के और मिक्सी में पीस के ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। अब ब्रेड के हमारे सारे गोल पीस तैयार हैं और जो हमारा ये साइड का हिस्सा बचता है, इसको हमें वेस्ट नहीं करना है। इस सारे हिस्से को आप ब्रेड क्रम्स बना के रख सकते हो। ब्रेड क्रम्स बनाने के लिए आप इसे सुखाएंगे, सुखाने के बाद मिक्सी में पीस के और इसको ब्रेड क्रम्स आप यूज कर सकते हैं सूप में। अब ये दूध में उबाल आ चुका है, अब इसमें हम चीनी डालेंगे। चीनी हम आधी डालेंगे इसमें, जितना हम मीठा खाते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार आप कम या ज्यादा उसे कर सकते हैं। और अब इस दूध को हम चीनी घुलने तक और दूध के आधा हो जाने तक पकाएंगे। पैन रखेंगे और गैस को ऑन कर देंगे। अब इसमें हम दूध डालेंगे जो हमने अलग मलाई वाला निकाल के रखा था। पनीर को हमने मैश कर लिया है या आप इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं और अब इसमें डाल देंगे। अब इसमें डालेंगे मिल्क पाउडर, इसको गाढ़ा होने तक पकाएंगे। अब ये दूध पक के आधा हो गया है और इसकी गैस को हम बंद कर देंगे और दूध को ठंडा होने रखेंगे। अब इधर हमारी ये फिलिंग भी तैयार हो चुकी है जो हमें बीच में भरनी है और इसमें हम इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं और गैस को हम बंद कर देते हैं और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और टूटी फ्रूटी अंदर डालेंगे और इसे भी हम ठंडा करेंगे। अब ये फिलिंग बिल्कुल ठंडी हो चुकी है, अब इसको हम ब्रेड के बीच में भरेंगे। इस तरीके से एक ब्रेड का पीस लिया और हमने फिलिंग को अच्छे से बीच में भरा। अब चारों पीस को हम इसी तरीके से पहले एक एक पीस को लगा लेंगे। चारों ब्रेड के पीस में हमने फिलिंग भर ली है। अब एक एक ब्रेड के पीस को उठाएंगे और सिंपल वाला ब्रेड का पीस हम इसके ऊपर लगाएंगे, लेकिन अब हमें इन्हें किनारों को चारों तरफ से बंद करना है। तो एक छोटा ढक्कन लेंगे और उससे हम अच्छे से इसे दबा देंगे ताकि किनारे बंद हो जाए। ये सारी रसमलाई ब्रेड वाली हमारी तैयार हो चुकी है और अगर आपको किनारे बंद करने में दिक्कत आए तो थोड़ा सा साइड में दूध लगा के उसे गीला करके और फिर इस तरीके से प्रेस करके आप इसे बंद कर दें। अब हम इसमें डालेंगे दूध, थोड़ा थोड़ा दूध डालना है हमको।
थोड़ा थोड़ा दूध हम डालते जाएंगे और नीचे भी दूध डालेंगे ताकि नीचे का जो ब्रेड का पीस है वो भी दूध में अच्छे से भीग जाए। सारा दूध डालने के बाद हम इसके ऊपर डेकोरेशन के लिए हमने जो ये फिलिंग अंदर के लिए बनाई थी उसमें येलो कलर की कुछ बूंदे डाल दी हैं। इसमें आप केसर भी डाल सकते हैं पीला कलर लाने के लिए, लेकिन हमने पीला थोड़ा सा कलर डाला है और उसको ऊपर से इस तरीके से रखेंगे। और ड्राई फ्रूट्स और टूटी फ्रूटी से हम उसे ऊपर से डेकोरेट कर देंगे। और अब हम इसे ठंडा करने के लिए कम से कम आधा घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे। उसके बाद ये इंस्टेंट रसमलाई खाने के लिए तैयार है। लीजिए, ठंडी ठंडी रसमलाई खाने के लिए तैयार है। और आप बनाइए और अपने अनुभव मेरे साथ बांटिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही नई वीडियोस आगे देखने के लिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।